नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल मुद्दा चल रहा है राजनीतिक खबरों का। लोकसभा चुनाव का अब कहानी खत्म हो गई है। अब तैयारी चल रही है महाराष्ट्र की विधानसभा की। महाराष्ट्र विधानसभा की जो है चर्चा जोरों में चल रहा है। अब हम सवाल ये करेंगे यहाँ पर वीडियो में अपने की चुनाव के पहले जो कुछ मंत्रिमंडल विस्तार होते हैं, क्या उसकी समय हो गई है? यानी कि अब अक्टूबर में चुनाव होना है और इस समय जून का महीना चल रहा है, और ऐसे टाइम में जो है मंत्रिमंडल की विस्तार करके बहुत कुछ इसमें ऊपर नीचे होता है, तो मंत्रिमंडल विस्तार का क्या समय आ गया है, इसी पर हम चर्चा कर ले जा रहे हैं। सर, क्या लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा महाराष्ट्र में? क्योंकि कुछ खाते बाकी हैं, कुछ लोगों को डबल ट्रिपल खाते मिले हुए हैं, तो ऐसे में मेरे ख्याल से 10 कम से कम मंत्री शामिल हो सकते हैं, तीनों पार्टी कर सकते हैं जी। और अभी अपने कितने हैं ये? 10 शिंदे साहब के हैं, 10 अजीत दादा के हैं, और बीजेपी के भी उतनी है, उतने तो 30, तो 11 मंत्री अभी लेने बाकी जी। टेक्निकली इसमें गलती हो सकते हैं, हमारे सामने टीम नहीं है हमारी गूगल से चेक करने के लिए, पर ठीक है, चम जो 11-12 लोग बाकी है। 10 तो कम से कम ले ही सकते हैं। चलो 10 लेके बाहर। सर मुझे बताओ कि जिन लोगों को मंत्रिपद नहीं मिला है जी, ऐसे लोगों की संख्या कितनी है? इनके पास कितने हैं लोग मालूम है? कितने महायुति के पास? करीबन 200 वो चाहिए सब मिला के। नहीं, सब मिला के 200 है जी। उसमें से मंत्री कितने बने हैं? 30। मतलब 170 लोग बाकी हैं। और आप मंत्रिपद कितने हैं आपके पास? 10। 170 लोग इच्छुक हैं और 10 मंत्री पद बाकी है, तो 160 लोग आपकी मारेंगे कि नहीं उठा के? जिसको नहीं मिलेगा तो बूम मारेंगे, बूम 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 बोल रहा हूँ मैं। 130 में से कम से कम 100 तो ऐसे होंगे नाराज होने वाले। सर अगर ये विस्तार करते हैं जी, हाँ, एक तो पहला दीर्घशानपना ऐसा है कि अभी आचार संहिता लगेगी। अगर 3-4 महीने के बाद ये है तो 1 महीने के बाद आचार संहिता लगेगी। ये शपथ लेंगे और आचार संहिता चालू होगी तो ये क्या मंत्री पद का मजा लेंगे? क्या मजा लेंगे? 1-2 महीने के लिए जितेंद्र रावत को मिला था 2 महीने के लिए। सर इसमें क्या मजा है? 2 महीने के लिए आप मंत्री बना के हमको छू 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 बना ले क्या? लॉलीपॉप हो गया ना इतने सर। क्या क्या लॉलीपॉप? खाली काड़ी लॉलीपॉप की। बाद में माजी मंत्री तो रहेंगे तो इतने भी उल्लू नहीं है ये जी। सर जिस दिन ये मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे जी, उसके दूसरे दिन 1/3 पार्टी दोनों टूटेगी, जिंदगी भी टूटेगी, क्योंकि सब मंत्री होने के लिए आए थे, अभी तक कैसे भी करके उनको संभाल के रखा है, तो नहीं मिलने से ही ठीक है। सर मंत्रिमंडल विस्तार करो ही मत, जैसे मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो मंत्रिमंडल नीचे आएगा, समाप्त हो जाएगा। और महामंडल जी, सर अभी 2 महीने के बाद सरकार बदल रही है, नई सरकार नए महामंडल करेगी, पहले बर्खास्त कर देते हैं। आचार संहिता लागू तो बर्खास्त, तो अभी महामंडल क्या दे रहे हैं उसके लिए पैसा खाएंगे, उनमें से कुछ पैसा खाते हैं। सर महामंडल का रेट चल रहा है, मेरा एक मित्र है दिल्ली पनवेल का आदमी है, दिल्ली में एक कुछ ये है महामंडल, उसका है 5 करोड़ रुपए दे के मंत्री बनाए, मैं ये बनाए महामंडल का सदस्य। मैं बोला इतना क्या, 5 करोड़ क्या चुती दिया तुमने? तो बोला साल का 5 करोड़ मिलता है, 5 साल में हो जाएगा वसूल 25 करोड़। मैं बोला करता क्या है तू? मुझे कुछ नहीं, ये गवर्नमेंट के जो गोडाउंस वगैरह रहते हैं उधर हम जाते हैं, वहाँ तो लफड़ा ही लफड़ा रहता है, वो लोग पैसे देते हैं इलाकों में, बस इतना ही करने का, विजिट करने का, पैसा लेने का, वापस आने का, सब काम यही करते हैं। ऐसे तो महामंडल है, पर हम ये सोचते थे ना कि बीजेपी के राज में दिल्ली में कोई पैसा लेके नहीं होता है। सर कितने लोग पकड़े गए जो राज्यसभा टिकट बांटने के लिए पैसा मांग रहे थे और दे रहे थे? होटल पकड़े गए, फिर बाद में थर्ड पर्सन लोग थे। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ कहीं ना कहीं लीक हो जाता है। तो सर विस्तार करेंगे ना, मेरे को 100% लगता है विस्तार करने की इनकी हिम्मत ही नहीं है। जैसे ही वो देखेंगे कि 170 लोग इधर खड़े हैं, उसमें से 10 को मुझे बनाना है, और महामंडल में रखा नहीं है सर, पैसा नहीं है अभी पहले जैसा महामंडल में, सब महामंडल कंगाल हो गए, किसी में कुछ पैसा नहीं है खाने के लिए। वो जमाना गया जब महामंडल के निधि थे, मंत्रिमंडल अभी भी ये है, मंत्रिमंडल में तो पैसा है ना सर। तो मंत्रिमंडल 2 महीने में नहीं खा सकेंगे,
जितना खर्चा होता है समझने में लग जाएगा। दो महीने समझ में नहीं, दो महीने तक नेटवर्क करने में, पैसे खाने का तैयार करने में लगता है, दो तीन महीना पहला। तो मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे तो जिनको नहीं मिला वो भाग जाएंगे, पार्टी टूटेगी सर। वो सत्ता के लिए आए हुए, आज कैसे है ना, मेरे को भी नहीं मिला, इसको भी नहीं मिला, इसको भी नहीं मिला, चलो सब असंतुष्ट है, मगर संतुष्ट है क्योंकि उनका कोई ना किसी को नहीं मिला, ख्याल किया जा रहा है जी, आमदार निधि में ख्याल किया जा रहा है। ज्यादा मजे मुझसे मत बुलवाओ, मगर कॉन्ट्रैक्टर दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, आमदार निधि में मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो दुकान चालू है। मंत्री पद मॉल होता है, ये दुकान है, और कुछ तो महामंडल पानबीड़ी का दुकान है, वो तो अभी उसमें तो जाने में कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं है महामंडल लेने में, अभी खाली उपकार हो जाएगा, तेरे को महामंडल दिया, ये दिया, वो दिया, फिर तेरे को टिकट देते नहीं है, महामंडल दिया तेरे को, ऐसा भी होगा होगा ना। हाँ, तो महामंडल भी किसी को अभी नहीं चाहिए सर। लोग अभी इलेक्शन की राह देख रहे हैं, लोग कौन से, ये पॉलिटिक्स में है वो, और वो सब ऐसा कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ से टिकट नहीं मिला छोड़ दूंगा यहाँ जाऊंगा, यहाँ से टिकट नहीं मिला छोड़ दूंगा यहाँ जाऊंगा, नहीं तो अपक्ष रह के सबको नडूंगा। सर मनोज जरांगे बोलता है 288 सीट पे मैं चुनाव के लिए उम्मीदवार खड़ा करूंगा। हाँ? आप भी आएगी तब तक, सर लोकसभा में भी कहा था कि एक जगह 200 लोगों को खड़ा करूंगा। हाँ नहीं नहीं वो ठीक है, 288 कर सकता है वो, सुबह अगर नहीं हुआ उसके बारे में मेरे पास अलग खबर है, वो कब देंगा मैं तुमको, मगर आज मैं इतना ही बोलता हूँ कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार एक नहीं होगा, दो नहीं होगा, तीन नहीं होगा, चार नहीं होगा, पाँच नहीं होगा, छः नहीं होगा, सात नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, मर जाएंगे सर, सरकार गिरेगी, क्या करते हैं, मंत्रिमंडल विस्तार का ये समय है लास्ट दो महीने में। भाई तुम 2.5 साल राज्य के, वो उन्होंने भी विस्तार की ये रखी थी ना, वो कहाँ किए पाए, नहीं किए। ये तो डेंजरस है, अजीत दादा के 40 बैठे हैं, शिंदे साहब के ये सब करके बैठे, उनके मुंह में नहीं पड़ा अच्छी तरह से, तो सब नार, फिर खाली मंत्री करने से नहीं, रोकड़ा जहाँ पे मिलता है वो मंत्री करो मेरे को, तुम समाज कल्याण का अपने तुम्हारा इसका करोगे तो मुझे फायदा नहीं है उसमें, जिसमें पैसा ऐसा चाहिए, खाते चाहिए, पैसे और खाते तो पहले बढ़ गए, वो तो बढ़ गए, वो छोड़ेंगे नहीं, जिनको मिल रहा है माल पानी है वो क्यों छोड़ेंगे, सीधी सी बात है। तो ये विस्तार नहीं होगा सर, इनकी हिम्मत नहीं है विस्तार करने की, जैसे ही विस्तार हो जाएगा 8 दिन के अंदर सरकार जाएगी, मैं लिख के देता हूँ, चलो छोड़ो। ठीक है सर, देखते हैं क्या समय बताता है आगे, क्योंकि समय बहुत कम है, समय बड़ा बलवान भी है और समय कम भी है, और इलेक्शन अभी 3 महीने पे है, लोगों को मूर्ख बना रहे हो क्या अभी ये करके तुम, नहीं क्या, इतना गलत है 3 महीने के लिए मंत्री इतना साल। इस विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद, जय हिंद, जय अनिल गगन विजित सत्य, ये भी सब्सक्राइब, धन्यवाद।